स दोस्तों आइए कंटिन्यू करते हैं लास्ट डे थोड़ा हमने आपको डेमोग्राफी में छोड़ा था ये कहा था कि भाई यहाँ पर यह डिस्कस करेंगे वाइल द डिमांड फॉर अ गुड इज़ इनवर्सली रिलेटेड टू इट्स ओन प्राइस इन्वर्सली रिलेटेड टू इट्स ओन प्राइस का मतलब क्या है ये तो अपने को पता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा दिस इज कॉल्ड इन्वर्स रिलेशनशिप सो ये इन्वर्स रिलेशनशिप अपने प्राइस के साथ है एंड ऑल्सो विद द प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स कहने का मतलब यह कि अगर एक जगह कार है और पेट्रोल है पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया है बहुत ज़्यादा तो भैया आप गाड़ी नहीं खरीदेंगे इतना महंगा पेट्रोल है नहीं खरीदेंगे पेट्रोल का प्राइस घट गया है तो चलो यार बाइक नहीं खरीद के गाड़ी खरीद लेते पेट्रोल तो एकदम सस्ता हो गया तो ये इन्वर्स है एंड इट इज़ पॉजिटिवली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट्स सब्सटीट्यूट का मतलब क्या है अगर कॉफ़ी है और इधर टी है मोरलेस कॉफ़ी एंड टी दिस सर्व द सेम पर्पस कि भैया सुबह उठ के चाय मिल जाए या कॉफ़ी मिल जाए या बस एक कुछ चाहिए अब दोस्त अगर चाय का दाम गिर गया है तो जितने भी कॉफ़ी पीने वाले लोग थे अगर इमेजिन करो एक सौ लोग चाय पीते थे और एक सौ लोग ही कॉफ़ी पीते थे और ऐसा हो सकता कि भाई कॉफ़ी का दाम दस रुपया चाय का भी दाम दस रुपया और अब चाय का दाम दस रुपये से गिर के हो गया आठ रुपया तो ऐसा हो सकता है कि ये 100 लोग जो कॉफ़ी पी रहे थे इसमें से कुछ लोग जी गिर जाएगा और ये 100 के की जगह 150 लोग चाय पीने आ जाएंगे सो so, ध्यान दीजिएगा जो लिखा हुआ इट इज़ पॉजिटिवली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट तो प्राइस चाय का गिरा ठीक है डिमांड जो देखिए यहाँ लाइन देखिए वाइल द डिमांड फॉर अ गुड इज इनवर्सली रिलेटेड टू इट्स ओन प्राइस एंड द प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट द डिमांड इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट तो प्राइस गिरा है चाय का प्राइस गिरा है तो डिमांड भी पॉजिटिवली गिरेगा कॉफ़ी का चाय का दाम अगर बढ़ जाए इधर तो कॉफ़ी का डिमांड बढ़ जाएगा तो प्राइस सब्सटीट्यूट का डिमांड दूसरे प्रोडक्ट का सिंपली पुट सब्स्टिट्यूट के केस में इफ द प्राइस प्राइस ऑफ टी फॉल्स डिमांड फॉर कॉफी फॉल्स प्राइस ऑफ द टी प्राइस ऑफ द ट्री इंक्रीजेसिमांड फॉर कॉफ़ी ऑल्सो इनक्रीजेस सर ऐसा क्यों अरे भैया देखो चाय कॉफे एक कॉफे चाय दस रुपया कॉफी दस रुपया चाय हो गया अब यहाँ पर हम लोग सौ लोग चाय पीने वाले और एक सौ ही लोग कॉफी पीने वाले अब चाय हो गया दस रुपया से हो गया पंद्रह रुपया तो ये सौ लोग में से पचास लोग कॉफ़ी पीने आ जाएंगे बोला तो यार पंद्रह रुपया का कॉफी कौन पिएगा दस रुपया का अच्छा पंद्रह रुपया का चाय कौन पिएगा अपने तो भैया दस रुपये का कॉफ़ी पी लेंगे तो यहाँ एक लोग तो प्राइस चाय का बढ़ा और डिमांड किसका बढ़ा कॉफ़ी का बढ़ा तो मैं ये इसलिए एक्सप्लेन कर रहा था कि ये सब लाइंस जो है ये आप लोगों को अच्छे से समझना होगा क्योंकि अल्टीमेटली एग्जामिनेशन में ये सब लाइन का मीनिंग अगर आप लोग मिस इंटरप्रेट कर ली तो गड़बड़ हो जाएगा तो देख लीजिए मैं वापस से पढ़ रहा हूं फिर से पढ़ लेते हैं दिस इन्वॉल्व द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन ह्यूमन एज वेल एज नॉन ह्यूमन यूजिंग द प्रोडक्ट कंसर्न ठीक है तो ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन बात किसका हो रहा है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फॉर नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स ठीक है जी नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स फॉर एग्जाम्पल इट में पर्टेन टू द नंबर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रेन इन द स्टडी ऑफ डिमांड फॉर टॉयज एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स इन द स्टडी ऑफ द डिमांड फॉर टायर्स और पेट्रोल सो टायर एंड पेट्रोल का स्टडी है तो ऑटोमोबाइल को स्टडी करेंगे बच्चों को देखना है तो टॉय का स्टडी करेंगे <sighs> बच्चों का टॉय इज़ नॉन ड्यूरेबल क्योंकि बहुत जल्दी बच्चे उसे खराब कर देते हैं नॉन ड्यूरेबल आर परचेज फॉर करंट कंजम्पन ऑनली फ्रॉम अ बिजनेस फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू डिमांड फॉर नॉन ड्यूरेबल गुड्स गेट्स रिपीटेड डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द नॉन ड्यूरेबल गुड्स भैया ब्रेड जैसे घर पर एवरीडे आ रहा है बिस्किट्स भी मोरलेस आ रहा है अंडा भी आ रहा है तो ये सब रिपीटेड हो रहे हैं यूजली नॉन ड्यूरेबल गुड्स कम इन वाइड वराइटीज एंड देर इज कॉम्पिटिशन अमंग द सेलर्स टू अक्वायर एंड रिटेन कस्टमर लॉयल्टी अ कंज्यूमर कैन पोस्टपोन द रिप्लेसमेंट ऑफ ड्यूरेबल गुड्स पर टी वी बहुत दिन से सोच रहे हैं चेंज करेंगे चेंज करेंगे चेंज करेंगे सोच ही रहे दो साल हो गया वेदर अ कंज्यूमर विल गो ऑन यूजिंग द गुड फॉर अ लॉन्ग टाइम और विल रिप्लेस इट डिंग रिप्लेस इट डिपेंड्स अपॉन फैक्टर्स लाइक सोशल स्टेटस अरे क्या करते हैं कल मिसेस शर्मा आई थी मेरे को तो इतना शर्म आ रहा था उन्होंने कहा कि भैया आपके वो मैच लगाइए ना तो मैंने मैच लगा दिया बोलते अरे आपके घर पे एच चैनल नहीं आता है मतलब नहीं चैनल तो आता बट टी वी एच नहीं है हमारा इतना शर्म आया अब तो सबके घर पे एच है वो जो काम करने वाली संतू बाई आती है ना वो भी बोल रही थी अरे भाभी हमारे घर पे तो एच डी टी वी लाया मेरा मर्द लेकर आया अब बताइए हमारे घर पे नहीं है तो ये तो सोशल स्टेटस का बात हो गया है प्रेस्टीज का बात हो गया है <coughs> कमाई भी आपका अच्छा है फिर क्या दिक्कत है और देखिए ये टेक्नोलॉजी एकदम जल्द से जल्द ख़त्म होने वाली है तो हम लोग नया टीवी खरीद लेते हैं नया रेफ्रिजरेटर खरीद लेते, है, लेते हैं नया वॉशिंग मशीन खरीद लेते हैं दूसरा नंबर पॉइंट दीज गुड्स रिक्वायर स्पेशल फैसिलिटीज़ फॉर यूज़ एग्जाम्पल रोड्स फॉर ऑटोमोबाइल्स भैया गाड़ी तो मैं कल ही खरीद लूँ बट मैं जहाँ रहता हूँ ना मेरे घर के बगल में एक छोटा शहर है ना अपना तो छोटा टाउन है और रोड बहुत ख़राब है बड़े बड़े गड्ढे कोई भी गाड़ी खरीद ले एकदम गाड़ी घोड़ा बन जाएगा गधा बन जाएगा जो भी है एंड इलेक्ट्रिसिटी फॉर रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेटर खरीदने का तो पैसा है बट क्या करें बताइए अरे की हमार तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं ठीक है रेडियो के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए बट रेडियो तो बैटरीज में भी चलते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आर यूज बाय मोर देन वन पर्सन द डिसीजन टू परचेज मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय फैमिली कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक इनकम ऑफ द फैमिली साइज एज डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेक्स कॉम्पोजिशन Replacement demand is an important component of the total demand for durables. Replacement demand char salvaham ko change karna machine. Greater the current holding of durable goods, greater will be the replacement demand. Therefore, all factors that determine replacement demand should be considered as determinant of the demand for durable goods. तो अगर कोई अच्छा कंपनी है उसके पास पूरा डेटा है कि भाई पाँच साल पहले आपने रेफ्रिजरेटर खरीदा था तो भैया आप एक काम करिए एक्सचेंज ऑफर है अपना पुराना दीजिए नया ले जाइए तो ये सब ड्यूरेबल गुड्स में हम लोग देखें डिमांड फॉर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाई देर प्राइसेज एंड क्रेडिट फैसिलिटीज अवेलेबल टू बाई देम कितने नए नए घर ऐड हो रहे हैं यार चेंजेस इन द नंबर ऑफ हाउस होल्ड पहले घर था समझ लो एक हजार इस मोहल्ले में पहले एक हज़ार घर था अभी ग्यारह सौ घर हो गया तो एक हजार घर पे एक हजार के एक हजार घर पे टीवी तो लगेगा ही ग्यारह सौ होगा तो ग्यारह सौ में भी टीवी लगेगा सो चेंजेस इन द नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स क्योंकि हर घर पे टीवी रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन लगना है तो अगर घर बढ़ रहे हैं हाउसिंग कॉम्प्लेक्स सोसाइटी बढ़ रही है तो उसको भी ऐड करना है फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड फॉर प्रोड्यूसर गुड्स सिंस प्रोड्यूसर गुड्स और कैपिटल गुड्स हेल्प इन फर्दर प्रोडक्शन द डिमांड फॉर दैम इज डाइव डिमांड अगर समझो कि कोई कॉफ़ी पीना ही नहीं चाहता है बाबा रामदेव ने सबको समझा दिया कि भैया कॉफ़ी पीना सेहत के लिए एकदम डेंजरस है और अब कोई कॉफ़ी पीना ही नहीं चाहता है जब कोई कॉफ़ी पिएगा ही नहीं तो मैं कॉफ़ी मशीन बना के क्या करूँगा तो कॉफी मशीन इज अ प्रोड्यूसर इज़ अ प्रोड्यूसर गुड्स ये प्रोड्यूसर गुड का डिमांड डिराइव हो रहा किससे इट इज डिराइव्ड फ्रॉम कॉफी ठीक है तो डिराइव फ्रॉम द डिमांड ऑफ कंज्यूमर गुड्स अब मैं एक ऐसा मशीन है मेरे पास जो जबरदस्त बच्चों का टॉय बनाता है अब जिस जगह पे मैं काम कर रहा हूं वहां पर एक ऐसा कंट्री है तो आप समझ लो चाइना अब चाइना में ओल्ड पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है जिस विलेज में जिस शहर पे चले जाओ ओल्ड पॉपुलेशन से भरती है बच्चे है ही नहीं उनके घर पे। क्या करें बताओ उनका जो लोएस्ट साइज मतलब लोएस्ट एज है वो 25 साल है मैक्सिमम मतलब बच्चे से बड़े हो गए भाई तो उस जगह पे टॉय फैक्ट्री लगा के क्या होगा हाँ टॉय फैक्ट्री लगाएंगे चाइना में बेचेंगे दूसरे जगह पर वो हो सकता है सो डिराव फ्रॉम द डिमांड ऑफ कंज्यूमर गुड्स दे प्रोड्यूस द डिमांड फॉर देम डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ प्रोफिटेबिलिटी ऑफ द यूजर इंडस्ट्री भाई कितना प्रॉफिटेबिलिटी लेट से अगर अपने को पता चलेगा कि टॉय वाला जो कंपनी है टॉय वाला सब हंड्रेड परसेंट मार्जिन में काम करता है एंड द साइज ऑफ द मार्केट ऑफ द यूजर इंडस्ट्री कितने लोग हैं जो टॉय बनाने का मशीन बनाते हैं डेटा रिक्वायर्ड फॉर एस्टिमेटिंग डिमांड फॉर प्रोड्यूसर गुड्स दैट इज़ कैपिटल गुड्स आर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द यूजर इंडस्ट्री ग्रोथ होने का है तब तो हम बनाएं ग्रोथ नहीं होने का तो नहीं बनाएं नॉर्म्स ऑफ कंज़म्पशन ऑफ कैपिटल गुड्स पर यूनिट ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी कितना कैपिटल गुड्स मेरा कंज्यूम हो रहा है इंस्टॉल कैपेसिटी से अगर मैं कैपेसिटी एक हज़ार का है कि मैं एक हज़ार मशीन बना सकता हूँ तो कितना मेरा कंज्यूम हो रहा है तो इसको भी चेक करना है अपने को एंड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ सब्सटीट्यूटबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से लेबर इज़ लाइकली टू इंक्रीज़ द डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स तो कैपिटल गुड्स मतलब हमेशा ये ध्यान रखना दोस्त कैपिटल गुड्स मतलब मशीन से काम करने वाला ठीक है तो बहुत पुराना एग्जाम्पल है ये पावर लूम, हैंड लूम। हैंड लूम में आदमी ह्यूमन बींग लगते हैं हाथ से काम करते हैं पावर लूम में मशीन से काम होता है सो so ऐसे ही बहुत सारे सिचुएशंस है जहां काम मशीन करता है और वही सिमिलर काम इंसान को देकर अपने लेबर के थ्रू भी करा सकते हैं तो इसमें यह बोल रहे हैं कि अगर लेबर का दाम बढ़ जाए तो हम आराम से मशीन खरीद लेंगे भाई इतना लेबर को पैसा नहीं दिया जा सकता ऑन द कॉन्ट्ररी एंड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ फैक्टर विच इज़ कॉम्प्लीमेंट्री कॉज अ डिक्रीज इन द डिमांड फॉर कैपिटल अब एक कैपिटल गुड्स बनाना है मेरे को बट कैपिटल गुड्स में समझ लो एक कुछ एक लिक्विड लगता है लिक्विड लुब्रिकेंट समझ लो एक एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ कैपिटल गुड्स है इसमें ये लिक्विड लुब्रिकेंट पहले एक हजार का था अब इसका दाम हो गया है, चार हजार रुपया तो ये महंगा हो गया लिक्विड लुब्रिकेंट कोई भी रीजन से कंपनी ने महंगा कर दिया अब ये चार हजार होने से मेरा कैपिटल गुड्स का भी प्राइस बढ़ जा रहा है लोग नहीं खरीदना चाह रहे हैं क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का जो दाम बढ़ गया है और ये बार बार समझ लो लगने वाला चीज है तो so, हो सकता है कि इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ फैक्टर इज कॉम्प्लीमेंट्री में कॉज अ डिक्रीज इन द डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स अब एक बात बताओ अगर ज्यादा प्रॉफिट हो रहा हो तो क्या करेंगे हायर द प्रॉफिट मेकिंग प्रोस्पेक्ट ग्रेटर विल बी द इंड्यूसमेंट टू डिमांड कैपिटल गुड्स इफ़ फर्म्स आर ऑप्टोमिस्टिक अबाउट सेलिंग अ हायर आउटपुट इन फ्यूचर दे विल हैव ग्रेटर इंसेंटिव टू इन्वेस्ट इन प्रोड्यूसर गुड्स ज़्यादा पैसा कमाने का चांसेस है तो ज्यादा गुड्स बनाएंगे एडवांस इन टेक्नोलॉजी एनेबलिंग हायर एफिशियंसी एट रिड्यूस कॉस्ट ऑन अकाउंट ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल विल हैवे पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल गुड्स प्रोडक्टिव हाई हो जाएगा कॉस्ट कम हो जाएगा तो भैया अच्छा बात है और कैपिटल नया 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 मशीन लो पुराने मशीन से देखो साहब आप पाँच हज़ार यूनिट बनाते हो और पाँच हज़ार यूनिट बनाने का साहब आपका पाँच हज़ार रुपया वेरिएबल कॉस्ट है साहब उतना ही मसाला देकर अब आप बनाओगे सात हज़ार यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट भी जो आपका वैसे तो कम होगा इनपुट में भी कम होगा और ये जो नया मटीरियल है ये पाँच का वैसे भी चार है तो पाँच का चार तो वैसे हो जाएगा जी और चार हज़ार में आप सात हज़ार यूनिट बनाओगे तो आपका पर यूनिट कॉस्ट देखो कितना कम हो गया साहब हाँ भाई तो फिर तो नया मशीन खरीदेंगे हम इन्वेस्टमेंट इन प्रोड्यूसर गुड्स विल बी ग्रेटर वेन लोअर इंटरेस्ट रेट प्रिवेल एज फर्म्स विल हैव लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ़ इन्वेस्टमेंट्स एंड लोअर कॉस्ट ऑफ बॉर्ग लोअर इंटरेस्ट रेट्स तो भैया पैसा पड़ा हुआ है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब क्या है इस पैसे को मैं अगर बैंक में रखता मशीन नहीं खरीदता तो दस लाख रुपया समझ लो अगर एक करोड़ रुपया का मशीन खरीदा और दस परसेंट बैंक दे रहा है तो भैया एक करोड़ पे मेरे को दस लाख रुपया तो बैंक से ही मिल रहा था तुम्हारा ये मशीन खरीदा एक करोड़ का और कमाया सिर्फ आठ लाख रुपया तो इससे अच्छा तो मशीन को मैं बैंक में रख मतलब इस पैसे को एक करोड़ को अगर मैं बैंक में रखता तो ज़्यादा बेटर होता तो दिस इज़ कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बैंक में नहीं रखा मैं क्यों नहीं रखा क्योंकि लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है बैंक में रखने से तीन लाख ,00 रुपया ही मिलता तो जब बैंक में रखने से तीन लाख ,00 मिलता क्योंकि तीन परसेंट है बैंक का इंटरेस्ट तो भैया एक काम करो फिर मशीन खरीद के देख लेते हैं कि फ्यूचर इतना ईजी नहीं है कि कोई भी यकीन के साथ सर्टेंटी के साथ बता दे तो खुद का दिमाग तो लगाना ही होगा और कुछ ना कुछ साइंटिफिक फॉर्मूले भी लगाना होगा सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशंस अच्छा भाई तुम कुछ खरीदने का सोच रहे हो क्या क्या खरीदोगे कब खरीदोगे क्यों खरीदोगे तो ये सर्वे कर रहे हैं बायर का इंटेंशन का किसी को अचानक कोई मॉल वॉल में पकड़ लिया अरे भाई साहब आप दो मिनट का समय देंगे हाँ जी देंगे भाई साहब ये यू डोंट माइंड ये फिलअप करेंगे हमारा एक सर्वे है ये है वो मोस्ट डायरेक्ट मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग डिमांड इन द शॉर्ट रन इज टू आस्क कस्टमर वॉट दे आर प्लानिंग टू बाई ड्यूरिंग द फोर्थ कमिंग टाइम पीरियड कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड वेर नियरली ऑल पोटेंशियल कस्टमर्स आर इंटरव्यूड अबाउट द फ्यूचर परचेज प्लान्स अब ये कस्टमर को कहाँ से खोज के लाओगे ये मेरे को नहीं पता सैंपल सर्वे मेथड अंडर विच ओनली साइंटिफिकली चोजन सैंपल पोटेंशियल कस्टमर्स आर इंटरव्यूड सैंपल वर्ड आते के साथ कि भैया कुछ चुनिंदे लोगों को देखो एंड यूज मेथड का मतलब ये समझ लो कि हमने कस्टमर से जाके पूछा कि भाई कस्टमर तुम गाड़ी खरीदोगे कस्टमर ने कहा हाँ मैं खरीदने का सोच रहा हूँ तो ऐसे करके समझ लो मेरे को पता चला कि 100 कस्टमर गाड़ी खरीदने वाले मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ 100 कस्टमर्स का अब 100 कस्टमर्स गाड़ी खरीदेंगे कन्फर्म बात है तो उसका मतलब डिमांड फोरकास्ट हो गया मेरे को पता चल गया पहले से कि वन कस्टमर्स आर गोइंग टू बाई द कार तो चलो अब मेरे को 100 कस्टमर्स गाड़ी खरीदने वाले हैं और उनको दिसंबर में देना है और अभी समझ लो अक्टूबर में है हम या जून में वॉट एवर सो हमने बायर से सर्वे कराया इसका मतलब क्या है इसका देखो सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन राइट तो अब एंड यूज मेथड स्पेशली यूज इन फोरकास्टिंग डिमांड फॉर इनपुट्स सॉरी अब हंड्रेड कार्स बननी हैं तो हंड्रेड कार्स के लिए इनपुट्स भी तो लगने हैं गाड़ी में तो बहुत सारे इनपुट्स लगते हैं लेट से इनपुट ए का बात कर रहे हैं हम कोई भी वो हो सकता है इनपुट का नाम है ए जो इनपुट कहाँ लगने वाला है इस गाड़ी में सो so इनपुट के लिए हमने पहले ही पता कर लिया कि कितने कस्टमर्स खरीदने वाले हैं तो समझ लो वन हो या वन हो या वन लैख हो तो वन लैख में समझ लो ये इनपुट ए चलना है इनपुट ए चाहिए मेरे को तो ये एंड यूज मेथड है एंड यूज मतलब एंड कस्टमर्स एंड कस्टमर्स हंड्रेड है इनपुट है ये ए एनवॉल्व आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल द फाइनल यूजर्स तो फाइनल यूजर्स तो ये है पता चल गया फिक्सिंग सुटेबल टेक्निकल नॉर्म्स ऑफ कंजम्पन ऑफ द प्रोडक्ट अंडर स्टडी तो प्रोडक्ट अंडर स्टडी क्या है प्रोडक्ट अंडर स्टडी इज ए ये अल्टीमेटली डिमांड फोरकास्टिंग क्यों कर है क्योंकि मेरे को इनपुट चाहिएगा बात को समझिए प्लीज़ डिमांड हम फोरकास्ट क्यों करा रहे ताकि मेरे को जो इनपुट चाहिए मैं इस इनपुट को पहले से ही पता रहेगा तो मैं चार अलग अलग वेंडर के पास जाके बोल सकता हूँ कि भैया ये इनपुट मेरे को चाहिए इतना क्वांटिटी चाहिए बोल कितना में देगा तो यही है अलग अलग फिक्सिंग सूटेबल टेक्निकल नॉर्म्स ऑफ कंजम्पशन ऑफ द प्रोडक्ट अंडर स्टडी तो ये जो इनपुट ए है ये मेरे को कैसे कैसे किस समय पर कैसे कंज्यूम करना है तो ये पता हो गया और उसके बाद एप्लीकेशन जैसे जो मैंने नॉर्म्स बनाया मैं अपने नॉर्म्स को बनाऊंगा ना कि भाई जब मेरा गाड़ी इस प्रोसेस में आ जाए तब मेरे को ये चीज़ चाहिए तो 25 यूनिट मेरे को अभी दे दे 25 यूनिट अगले महीने में दे दे तो ये मैंने नॉर्म्स बना रखा है अब इस नॉर्म्स बनाने के बाद को उस नॉम्स को अप्लाई करेंगे एप्लीकेशन ऑफ द नॉर्म्स टू द डिजायर्ड और टारगेटेड लेवल ऑफ आउटपुट जैसे ये इनपुट ए है टोटल इनपुट समझ लो मे को सौ है या एक लाख है टोटल एक लाख गाड़ी बनाना है मेरे को एक लाख गाड़ी में एक लाख इनपुट चाहिए बट क्या एक लाख गाड़ी क्या एक ही दिन में बन जाएगा मेरे दोस्त अलग अलग टाइम पे बनेगा तो वो नॉम्स को मैं देखो यहां कितना अच्छा से लिखा हुआ एप्लीकेशन ऑफ द नॉम्स टू द डिजायर्ड और टारगेटेड लेवल ऑफ आउटपुट डिजायर लेवल या टारगेटेड लेवल जो हमने डिजायर किया हम उसी को टारगेट बना रहे हैं हमने डिजायर किया कि पच्चीस हजार गाड़ी पर मंथ हम मैन्युफैक्चर करेंगे तो पच्चीस हजार मैनुफेक्चर करेंगे और एक लाख गाड़ी कस्टमर्स ने कहा भाई खरीदने वाले हैं। तो हर महीना इनपुट ए जो है पच्चीस 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 हजार रुपया करके दे देना पच्चीस पच्चीस हजार यूनिट मेरे को दे देना सप्लाई में ठीक है तो टारगेटेड लेवल ऑफ आउटपुट्स एंड एग्रीगेशन एग्रीगेशन मतलब टोटल करना आई होप कि अब ये भी एकदम क्लियर हो गया अब देखो इस मेथड में क्या हो रहा है इस मेथड का ड्रॉबैक्स क्या है फोरकास्ट कौन कर रहा है कस्टमर कर रहा है अब कस्टमर के बारे में आइए देख लेते हैं हावेवर इट वुड नॉट बी वाइज ये अक्लमंदी नहीं होगा जी टू डिपेंड ऑन द बायर्स एस्टिमेट अब जो कंपनी जो गाड़ी बना रही है एक लाख पीस गाड़ी बना रही है समझ लो उन्होंने सर्वे कराया बायर ने कहा वर्मा जी ने कहा मैं सोच तो रहा हूं कि मैं अभी तो मैं बाइक चलाता हूं बट मैं सोच तो रहा हूं कि मैं गाड़ी खरीदूंगा क्या आप गाड़ी दिसंबर तक खरीदने का सोच रहा हूँ हाँ हाँ मैं दिसंबर तक 2018 तक गाड़ी खरीदने का सोच रहा हूं क्या आपकी इनकम पांच लाख रुपया साल की है हाँ जी हमारी इनकम साढ़े चार लाख की है अब ऐसा भी तो हो सकता है वर्मा जी का इनकम हो एक्चुअली दो लाख का अब क्योंकि शर्मा जी बगल में फॉर्म फिलअप किए हैं साढ़े लाख का तो भैया इज्जत बोल के भी तो कोई चीज है दो लाख भर देंगे तो इज्जत चली जाएगी तो भैया हम भी साढ़े चार लाख भर देते हैं तो कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि बायर का इंटेंशन नहीं है खरीदने का बट फिर भी फॉर एनी रीजन ही हम उनके कहने के अनुसार एक लाख गाड़ी बना ले तो क्या ये अकलमंदी होगी तो ये सोचने वाली बात है तो ये बोले इट इज नॉट बी वाइज टू डिपेंड होल्ली ऑन द बायर्स एस्टिमेट and they should be used cautiously in the light of the seller's own judgment this method is useful when bulk of sale is made to the industrial producer who generally have definite future plans in the case of household customers this method may not prove very helpful for several reasons irregularity in customers buying intention their inability to see their choice when faced with multiple alternatives

और डोर टू डोर सेलिंग इनके सेल्स पेन काफी तगड़ा रहता है सेल्स टीम काफी अच्छा है इनका अब समझ लो अगर मैं इन सेल्स फोर्स को मैं समझ लो कंपनी का सी या बिजनेस हैड अब मुझे कंपाइल करना है तो मैं इन सेल्स फोर्स को बोलता हूँ कि भाई तुम लोग तो घर घर घूमते हो तुम लोगों के पास लीड्स है तुम लोग बताओ तो इस नेक्स्ट थ्री मंथ्स में कितना सेल हो जाएगा तो सब कुछ अपना अपना देखते हैं कि कितने लोगों के पास गए हैं विजिट किए हैं सब रिकॉर्ड्स वगैरह निकाल के बात करेंगे तो दिस इज कॉल्ड कलेक्टिव ओपिनियन मेथड कलेक्टिव मतलब जितने भी कंपनी के सेल्समैन हैं उन सबको इकट्ठा करेंगे उन सबके कलेक्टिव डिमांड को कैलकुलेट करेंगे और फिर आगे सोचेंगे कि भैया क्या करना है दिस मेथड इज़ ऑल्सो नोन एज सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड और ग्रास रूट अप्रोच फॉर्म्स हैविंग अ वाइड Network of sales personnel can use the knowledge, experience, and skills of the sales force to forecast future demand. Under this method, salesmen are required to estimate expected sales in their respective territories. The rationale of this method, rationale, means the logic of this method is that salesmen being closest to the customers. लाइकली टू हैव मोस्ट इंटीमेट फील ऑफ द रिएक्शन ऑफ द कस्टमर्स अब सेल्समैन को पता है कि हां ये खरीदने वाला है ये नहीं खरीदने वाला है दे हैव द मोस्ट इंटीमेट फील ऑफ द रिएक्शन ऑफ कस्टमर्स टू चेंजेस इन द मार्केट सेल्समैन हमेशा जाते रहता है कि देखिए अब मार्केट चेंज हो गया अब हमने नया प्रोडक्ट लाया है नया प्रोडक्ट ये लॉन्च कर रहे हैं ये ऐसा कर रहे हैं या कई बार कस्टमर पूछता रहे भाई आपकी कंपनी में ऐसा वाला नहीं है आपके कंपनी में वो बटन नहीं है कि चलो इस बटन को प्रेस करेंगे तो जैसे समझ लो हेयर हेयर है ड्रायर वेमेन पूछती है आजकल तो भैया वो है ना एक बटन दबाने से और गर्म हवा आएगा एक बटन दबाने से वो हवा थोड़ा सा कम हो जाएगा अलग अलग नया नया कोई भी मॉडल का डिस्कशन हो रहा हो तो चेंजेस इन द मार्केट का जो भी सिचुएशन है तो सेल्समैन लोग को पता रहता है कि भाई बायर्स क्या नया डिमांड कर रहे हैं सो दीज एस्टिमेट्स ऑफ सेल्समैन आर कंसॉलिडेटेड कंसॉलीडेटेड मतलब सबका विचार को सबके डेटास को कंसोलिडेट किया जा रहा है ऐड किया जा रहा है टू फाइंड आउट द टोटल एस्टिमेटेड एस्टिमेटेड सेल्स आर रिव्यूड टू एलिमिनेट द बायस ऑफ ऑप्टिमिज्म दिन कई बार होता है ना अरे, एक अपने पास सेल्समैन अशोक यार अशोक का क्या काम है पता है आपको वो बेचेगा आठ यूनिट और एकदम अपने सीनियर मैनेजर को अरे सर इस बार तो बस पूछिए मत सर इस बार तो बेस्ट एम्प्लॉय अपने को ही मिलना है सर अरे कैसे अशोक कोई लॉटरी लग गया कि, अरे सर इस बार देखिए एकदम एक, एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स को पकड़ा हूँ सर अरे दरवान अपना दोस्त है सर सेट कर लिया दरवान को सर इस बार तो मैं पंद्रह यूनिट बेच के रहूँगा सर और वो हमेशा पंद्रह सोलह बोलता और बेचता आठ है उसका ऑन एन एवरेज दिख रहा है कि जितना बोलता है उसका आधा तो चलो बेच लेता तो ये ऑप्टिमिज्म है तो जब हमने कैलकुलेशन किया तो अशोक जैसे बहुत सारे दो चार लोग और हैं जो अशोक के कैटेगरी में है कोई बारह बोल के आठ बेचता है और ऐसे भी कुछ लोग हैं जो हमेशा आठ बोलते और बेचते बारह या सोलह तो अलग अलग टाइप के लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कोई बहुत ज़्यादा बोलता है काम कम करता है कोई कम बोलता है काम ज़्यादा करता है सो so, अगर मैं सीनियर हूं तो मेरे को एस्टिमेट्स मिला अशोक की तरफ से सोलह तो मैं क्या सोलह का सोलह लिखूंगा मेरे को मालूम है ना अशोक सोलह बोल रहा तो चलो आठ नौ तो कन्फर्म है और विकास अगर आठ नौ बोल रहा है तो कम से कम बारह तेरह तो कंफर्म है तो ऑप्टिमिज्म जो है उसको नीचे ले आओ और पेसिमिस्टिक लोग है उसको ऊपर ले जाओ ठीक है जी सो रिव्यूड एलिमिनेट द बायस ऑफ नेगेटिव भावना तो अशोक भाई का एक्स्ट्रा उसको भी कम कर दो और किसी का एक्स्ट्रा नेगेटिविज्म उसको बढ़ा दो जो डिस्कस किया कि हमारा एक प्रोडक्ट आ रहा है और तुमने प्राइस बताया है कस्टमर को सात हजार अगर अब हम लोग लॉन्च कर दे इसको छ हजार में तो अरे सर अगर छ हजार में लॉन्च करेंगे ना सर तो पक्का ना वो जो आ, तीन चार कस्टमर जो डाइसी है जो प्राइस प्राइस बोल रहे थे तो कुल मिला के सर पच्चीस परसेंट कस्टमर जो प्राइस को लेकर सेंसिटिव थे वो भी खरीद लेंगे तो चलो ये तो अच्छा बात है भाई तो प्राइस का डिस्कशन प्रपोज चेंजेस इन सेलिंग प्राइस कम करने से ये होगा ज़्यादा करने से क्या होगा अच्छा सर प्रोडक्ट डिज़ाइन अपने प्रोडक्ट में अगर ये डिज़ाइन आ जाए सर आजकल क्या ना वो, वो, ये पिंक कलर बहुत चल रहा है सर फ्लोरोसेंट कलर भी बहुत चल रहा है फ्लोरोसेंट कलर तो हमारे प्रोडक्ट में सर फ्लोरेसेंट नहीं है वो दूसरा कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट में फ्लोरेसेंट है अच्छा जी प्रोडक्ट डिजाइन हो कलर हो सर एडवर्टाइजमेंट में हम लोग क्या सर शाहरुख खान को लेकर कर रहे हैं क्या सर इस बार तो अलग अलग हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं एक्सपेक्टेड चेंजेस इन कॉम्पिटिशन चेंजेस इन सेक्युलर फोर्स लाइक परचेजिंग पावर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयमेंट पॉपुलेशन एक्सेट्रा अब समझ लो अरे भैया चिंता मत करो अब समझ लो कोई फैक्ट्री बंद थी दो साल से फैक्ट्री बंद थी बट इस जनवरी से फैक्ट्री का काम चालू होने वाला है तो जैसे ही फैक्ट्री का काम चालू होगा वापस से बहुत सारे लोगों को पैसा मिलेगा आमदनी बढ़ जाएगी तो चिंता मत करो अपना माल भी बिक जाएगा द फाइनल सेल्स फोरकास्ट वुड एमर्ज आफ्टर दीज फैक्टर्स है एम्प्लॉयमेंट पॉपुलेशन सारा फैक्टर्स को जज करके एक कैलकुलेशन शीट निकाल दिया गया अब आइए इसके बारे में फाइनल क्या कंक्लूजन है इस मेथड के बारे में आपको क्या लगता है अच्छा है खराब है तो इस मेथड पे ऑल दो दिस मेथड इज सिंपल एंड बेस्ड ऑन फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ऑफ दोज हुआ डायरेक्टली कनेक्टेड विद सेल्स एक तरह यस डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है इट इज सब्जेक्टिव ऑन पर्सनल ओपिनियन सब्जेक्टिव मतलब ये होता है इमोशनल इट इज सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दो चीज़ होता है सब्जेक्टिव मतलब जहां पर चेंजेस हो सकते हैं कहीं ना कहीं इमोशंस का बात होता है पर्सनल ओपिनियन का बात होता है इट इज सब्जेक्टिव एज पर्सनल ओपिनियंस कैन पॉसिबली इन्फ्लुएंस द फोरकास्ट अब भाई किसी को लग रहा है कि भाई ये तो खरीद लेगा हो सकता नहीं खरीदे मोर ओवर सेल्समैन में अन अवेयर ऑफ द ब्रॉडर इकोनॉमिक चेंजेस विच में है प्रोफाउंड इंपैक्ट ऑन द फ्यूचर डिमांड अब सेल्समैन को क्या पता कि आगे चल के पूरा का पूरा मार्केट डिमांड या इकोनॉमी का पोजीशन खराब होने वाला या परचेसिंग पावर गिरने वाला है तो ये तो सेल्समैन को नहीं पता है देर फोर फोरकास्टिंग कुड बी यूजफुल इन द शॉर्ट रन हाँ शॉर्ट रन में तो यूजफुल हो सकता है फॉर द लॉन्ग रन एनालिसिस हावेवर इट इज़ अ बेटर टेक्निक फॉर लॉन्ग रन एनालिसिस हावेवर अ बेटर टेक्निक इज टू बी अप्लाइड तो ये भी एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो गया एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड जैसे नाम है एक्सपर्ट ओपिनियन मतलब अब यार ऐसा हो गया कि पहले हमने बायर का इंटेंशन लिया हम समझ लो धोखा खा गए फिर हमने सेल्समैन का पूछा समझ लो हमने धोखा खा लिए अब यार कंपनी बोली यार अब तुम लोगों से नहीं पूछेंगे लेट मी गो टू सम एक्सपर्ट ठीक है ये एक्सपर्ट्स पे आते हैं इन जनरल प्रोफेशनल मार्केट एक्सपर्ट्स एंड कंसल्टेंट्स हैव स्पेसलाइज नॉलेज अबाउट द न्यूमरस वेरिएबल्स डेट अफेक्ट डिमांड अभी एक्सपर्ट लोग हैं एक एकदम इकोनमिस्ट है पैनल में अलग अलग लोग हैं जिनको पूरा मार्केट के बारे में पता है कि भाई मार्केट में ऐसा सिचुएशन है तो कितने लोग क्या सोचेंगे ये तो एक्सपर्ट पूरा चार्ट वाट बना के देंगे दिस कपल्ड विद देयर वेरी एक्सपीरियंस एनेबल्स डेम टू प्रोवाइड रिजनेबली रिलायबल एस्टिमेट्स ऑफ प्रोबेबल डिमांड इन फ्यूचर तो एक तो वेरिड एक्सपीरियंस मतलब वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस इनके पास इंफॉर्मेशन इज फ्रॉम देम थ्रू अप्रोप्रिएटली स्ट्रक्चर्ड अनबायस टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन सच एज इंटरव्यूज एंड क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन अगर आ सकता आपके पास कि ये कौन सा मेथड में अनबायस टूल ऑफ डेटा कलेक्शन सच एज इंटरव्यू एंड क्वेश्चन आपका आंसर होना चाहिए एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड में द डेल्फी टेक्निक डेवलप्ड बाय ओलाफ हेलमर एट द रैंड कॉरपोरेशन ऑफ यूएसए ठीक है प्रोवाइड्स अ यूजफुल वे टू ऑबेन इन्फॉर्म जजमेंट फ्रॉम डाइवर्स एक्सपर्ट्स बाय अवॉइडिंग डिसएडवाटेजेज ऑफ कन्वेंशनल पैनल मीटिंग्स अब क्या हो रहा है कि जो धोखा मैंने खाया बायर के चक्कर में या सेल्समैन के चक्कर में अब मेरे को पता चल गया कि भाई क्या क्या गैप है क्या क्या इंफॉर्मेशन मेरे को चाहिए ये इंफॉर्मेशन अगर मेरे को मिल जाए तो मैं धोखा नहीं खाऊंगा नुकसान से बच जाऊंगा मतलब करोड़ों रुपया का नुकसान से बच जाऊंगा भाई मतलब दस करोड़ रुपया का नुकसान हो गया यार तो एक काम करो ये दस करोड़ का लॉटरी है दस करोड़ का बात है तो ये एक्सपर्ट ओपिनियन वाले लोग अगर हमसे दस लाख रुपया भी लेते हैं दे दो यार दे दो ये दस लाख बीस लाख रुपया लेकर भी अगर हमको ये तीन चार क्वेश्चन जो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अपने बोलेंगे भैया देखो अगर आप जो आंसर दे रहे हो क्योंकि आप एक्सपर्ट हो आप हमसे बीस लाख रुपया चार्ज कर रहे हो अगर आपका कैलकुलेशन गलत निकल गया तो भैया फीस नहीं देंगे हम आपको आधा पैसा अभी आधा पैसा बाद में बोलो मंजूर तो भैया ठीक है एक्सपर्ट बोलते हैं हाँ मंजूर तो मेरे को ये चार पांच क्वेश्चंस का जवाब चाहिए अलग अलग इंडस्ट्री का अलग अलग क्वेश्चन होता है अलग अलग सिचुएशन होते हैं ठीक है सो so, ये फर्म्स क्या फर्म फर्म सोलिसिट द ओपिनियन ऑफ स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट्स थ्रू अ सीरीज ऑफ केयरफुली केयरफुल्ड क्वेश्चन को भी जैसे जैसे वो कुछ दे रहे हैं तो एक्सपर्ट को अपने फीडबैक दिया जा रहा है कि भाई ये ऐसा है ऐसा है बस बता नहीं रहे कि ये कौन ये ओपिनियन दे रहा है दीज ओपिनियंस आर देन एक्सचेंज वेरियस एक्सपर्ट्स एंड द प्रोसेस गोज ऑनल कन्वर्जेंस ऑफ ओपिनियंस इज अराट तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स काउंटर एक्सपर्ट्स को अलग अलग लोगों का ओपिनियन दे रहे हैं तो फिर वो ओपिनियन पर और छानबीन कर रहे हैं फिर ओपिनियन को मर्ज कर रहे हैं कन्वर्ज कर रहे हैं दिस मेथड इज बेस्ट सुटेड इन सरकमस्टेंसेज वेर इंट्रेक्टेबल चेंजेस आर अकरिंग एंड द रेलिवेंट नॉलेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एक्सपर्ट्स डेल्फी टेक्निक इज़ वाइडली एक्सेप्टेड ड्यू टू इट्स ब्रॉडर एप्लीकेबिलिटी एंड द एबिलिटी टू एड्रेस कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इट ऑल्सो हैज़ एडवान्टेज ऑफ स्पीड एंड चीपनेस तो जल्दी भी होता है चीप भी होता है और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन मैंने बताया ना कि भाई मेरे को ये क्वेश्चन का आंसर दे दो भाई ये क्वेश्चन का आंसर देने से मेरा करोड़ों रुपया का फ़ायदा हो सकता है तो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो भी है वो क्वेश्चन का आंसर मेरे को चाहिए और ये आंसर दे दोगे दोस्त तो पैसा देने के लिए रेडी हो तो इसे कहते हैं एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड थैंक यू वेरी मच